చూచు చెప్పండి 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 ये देखो डैडो 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 राजा ఫిర్యాదు పెట్టేసుకోండి जो बंदे रखते हैं वो कौन है कितने टैलेंट हैं दो मगरी मगरी तो कोई नहीं है तो इसमें डेड कितने हैं डेड सब दो डेड हैं सत्री जगह लो टोटल चार है और बाकी जो आपका है हॉस्टेल जो है वो सीटीडी के वाले होंगे बच्ची जो होंगे वही करवाए और बाकी जो आप Allah! 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 All
रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज की जो मॉक एक्सरसाइज थी, इसका मकसद ये था कि जो जेल की सिक्योरिटी है और ऐसी एजेंसीज जो ऐसी इंफॉर्मेशन रिसीव होने पे रिस्पॉन्ड करती हैं, उनका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो क्या है और वो आके किस प्रोफेशनल वे में रिएक्ट करती हैं क्राइम ऑफ अकरेंस पे। तो आज जैसे ही ये कॉल चली है कि विहाड़ी जेल पे अटैक हुआ है, तो उसके तकरीबन 5 मिनट के बाद जितनी भी कंसर्न एजेंसीज थी, जिनमें काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट था, लोकल पुलिस थी, इसके अलावा सिविल डिफेंस थी और रेस्क्यू 1122 थी, वो तमाम की तमाम एजेंसीज जो थी वो 5 मिनट के अंदर प्लेस ऑफ अकरेंस पे पहुंच गई। और उसके बाद बड़ा अच्छा अरेंजमेंट था, डिस्ट्रिक्ट जेल के जो ऑफिसर्स थे, जिन्होंने सारी जो एजेंसीज पहुंची हैं उनको ब्रीफ किया है कि यहाँ पे इंसिडेंट किस नौइयत का है। और जो आज के केस की नौइयत थी वो ऐसे थी कि अटैकर्स जो हैं उन्होंने आके जेल के जो मुलाजमान थे उनको हॉस्टेज बनाया है, और उनका मकसद ये था कि जेल के अंदर उनके जो साथी कैद हैं उनको रिहा करवाया जाए। तो तमाम एजेंसीज़ ने बड़े प्रोफेशनल वे के साथ रिएक्ट किया है और उन जो हॉस्टेजेस थे उनको भी उनकी कस्टडी से छुड़वाया है। और उनके जो अटैकर्स थे, 4 थे, उनमें से जो 3 अटैकर्स थे वो ज़ख्मी हुए थे और एक उनमें से जो है वो मारा गया है। तो तमाम एजेंसीज़ को मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़े प्रोफेशनल वे के साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं उनको फुलफ़िल किया है। लेकिन जैसे आपको पता है कि बेहतरी की गुंजाइश जो है वो हमेशा रहती है, तो हम इंशाल्लाह ताला इसको लगातार जो हैं वो मॉक एक्सरसाइजेस करते रहेंगे, जिसमें हफ्ते 10 दिन के बाद होगा और उसमें इंशाल्लाह ज़्यादा परफेक्शन आए। मॉक एक्सरसाइज का हमेशा से ये होता है कि हमने अपने जो लिंक्स हैं दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ उन्हें चेक करना होता है और अपनी सिक्योरिटी को बीफअप करना है सारा, कि वो बेहतर तरीके से किस तरीके से खुदा ना खासा कोई मामला हो जाए तो उसे किस तरीके से हैंडल करना है। तो इससे बेसिकली जो सबसे जो मेजर फैक्टर है वो ये होता है कि जो अकरेंस है, जब हमने अपना अलार्म ब्लो किया है तो एजेंसीज़ का रिस्पॉन्डिंग टाइम क्या है, हमारे पास कितनी देर में आती हैं और वो मामला जो टाइम जो है वो किस तरीके से हमने उसे और मिनिमाइज़ कर रहे हैं और उसे परफेक्टली यूटिलाइज कैसे करना है हमने। ये बताइए कि आज के जो प्रोग्राम, आज की जो मॉक एक्सरसाइज थी, उसका सिनेरियो क्या था, वाकया क्या था, हुआ हैपनिंग क्या था? हैपनिंग हमारी तो जो हमने डमी बैक साइड से किया कि टेररिस्ट अटैक बैक साइड से हुआ है हमारी जेल पे, बेसिकली हमें यह करना होता है। लेकिन इसके अलावा भी जिस तरीके से मैंने पहले अर्ज़ की है कि मामला ये नहीं है, जो क्रिमिनल है या जो टेररिस्ट है वो भी अपनी एक अलग से प्लानिंग करते हैं, हर दफ़ा नई प्लानिंग से आते हैं, वो हमारी प्लानिंग पे नहीं चलते। हमें तो इन जनरल अपनी सिक्योरिटी को मेंटेन करना है। हमारा एक मखसूस एरिया है, उसी एरिए को हमने बाहर से जो हमारी जितनी CTD और एलीट फोर्स और दूसरी हमारी पुलिस फोर्सेज हैं, इन्होंने हमें पूरा बाहर से हमें पूरा हमें तहफ़ देना है, इंटरनली हमारा अरेंजमेंट चलता रहता है। रिस्पॉन्ड टाइम जो था वो तकरीबन 5 से 7 मिनट के अंदर तमाम एजेंसीज यहाँ पहुँच गई हैं, दैट इज़ वेरी गुड। मॉक एक्सरसाइज करने का मकसद अदारों की कारकर्दगी को जांचना है। कैमरामैन बादल गिल के साथ तसीनुर रहमान, IDIA TV, विहाड़ी।